इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स यूनिटी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिटरी मैट्रिक्स जो होता है आर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ ए डॉट ए थीटा। ए थीटा क्या है यहाँ पे? ये ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। ट्रांजुगेट मैट्रिक्स क्या होता है? ये ट्रांजुगेट मैट्रिक्स फ्रेंड्स हमने जो अभी पढ़ा था, कोई ट्रांजुगेट मैट्रिक्स जो होता है वो होता है हमारे पास, अगर कोई ए मैट्रिक्स है उसका पहले हम कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालें, यानी कि ए जहाँ ए प्लस बी आयोटा, जहाँ पे आयोटा है वह माइनस आयोटा पुट कर दें, और जहाँ माइनस आयोटा है वह आयोटा पुट कर दें। ये चेंज करने के बाद अगर हम उसका ट्रांसपोज निकाल दें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है वो ट्रांजुगेट मैट्रिक्स होता है। अब अगर ए डॉट ए ट्रांजुगेट मैट्रिक्स यानी ए डॉट उसका ट्रांजुगेट मैट्रिक्स इक्वल टू आई यानी यूनिटरी मैट्रिक्स हो, ये और साथ में सेकंड कंडीशन है ट्रांजुगेट मैट्रिक्स डॉट ए वो भी यूनिटरी मैट्रिक्स हो, तो ये दो अगर कंडीशन फॉलो कर रहा है कोई मैट्रिक्स तो उस कंडीशन में वो मैट्रिक्स हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाता है।